principle, I support the bill. Sri Chandeshwar Prasad ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. खेल जगत में डोपिंग अर्थात खेल में शक्ति वर्धक दवाओं का सेवन वास्तव में भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए अभिशाप है. डोपिंग की वजह से मेरिट वाले खिलाड़ियों को उनका स्थान नहीं मिलता और वे बेईमानी के शिकार हो जाते थे. हमारा देश भारत खेलों में विश्व की महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन डोपिंग के कारण यह संभव नहीं हो रहा है. अफसोस की बात है कि भारत पहले से ही दुनिया के शीर्ष 3 डोपिंग रोधी उल्लंघनकर्ताओं में से एक है. वर्ष 2013 के बाद डोपिंग से संबंधित बाडा ADRV रिपोर्ट की सूची में भारत का स्थान शीर्ष 10 देशों में है. यह काफ़ी गंभीर विषय है और इसका हल नितांत आवश्यक था जिसके लिए यह बिल लाया गया है. मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को. भारत 7 पदक में 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य के साथ टोक्यो ओलंपिक में 48वें स्थान पर था लेकिन विश्व डोपिंग सूची में 3रे स्थान पर था जो काफ़ी चिंता का विषय था. अध्यक्ष महोदया, देश में डोपिंग के खिलाफ कानून नहीं होने से नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा में सुनवाई के बाद मामले अदालत में पहुंच रहे थे. विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी की ओर से लंबे समय से नाडा पर डोपिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. महोदया, भारत ने 2020 में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी को विश्व स्तर पर खेलों को स्वच्छ बनाने के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक मुश्त समर्थन देने का वादा किया जो चीन, सऊदी अरब और मिस्र सहित कई अन्य विदेशी सरकारों द्वारा किए गए योगदानों में सबसे अधिक था. परंतु डोपिंग को रोकने में हम अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं. इस विधेयक को एक आपराधिक कानून के बजाय एक निवारक कानून बनाने के विचार के अनुरूप तैयार किया गया है. इस बिल में राष्ट्रीय नाडा को डोपिंग अपराधियों को पकड़ने के लिए छापामारी करने का अधिकार दिया गया है. यह बिल एथलीटों को डोपिंग में शामिल होने से रोकता है और परिणामों की अयोग्यता के साथ किसी भी उल्लंघन को दंडित करता है जिसमें पदक, अंक और पुरस्कार जब्त करना एक निर्धारित अवधि के लिए प्रतियोगिता या कार्यक्रम में भाग लेने की अयोग्यता और वित्तीय प्रतिबंध शामिल है. यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महानिदेशक की अध्यक्षता में एक वैधानिक निकाय के रूप में नाडा के गठन का प्रावधान करता है. महोदया, एजेंसी के कार्यों में डोपिंग रोधी गतिविधियों की योजना बनाना, कार्यान्वित करना और निगरानी करना और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की जांच करना शामिल है. इस विधेयक के कानून बनने से डोपिंग रोधी नियमों पर सरकार को सिफारिशें करने और डोपिंग रोधी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन के लिए खेल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना की जाएगी. महोदया, बोर्ड नाडा की गतिविधियों की निगरानी करेगा और उसे निर्देश जारी करेगा. डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के परिणामों को निर्धारित करने के लिए बोर्ड एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल का गठन करेगा. यह पैनल के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने के लिए एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल का भी गठन करेगा. इस विधेयक के कानून बनते ही नाडा की शक्तियाँ बढ़ जाएगी और साथ ही खिलाड़ियों को भी डोपिंग के खिलाफ अधिकार मिल जाएंगे. कानून बनने के बाद डोप पॉजिटिव खिलाड़ियों को नाडा में होने वाली सुनवाई भी इसके दायरे में रहेगी. नाडा सुनवाई पैनल फैसलों को इसके बाद अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी. देश में डोपिंग के खिलाफ कानून बनाने की दिशा में यह एक अच्छा प्रयास है. हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को
और आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। श्री बी महताब जी।